नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने भारत में पिछले साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटों में 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ऐसे में खुद को संक्रमण से बचाने के लिए आपके पास जो एकमात्र उपाय है वो है सावधानी बरतना। साथ ही जरूरी है कोरोना के लक्षणों पर नजर रखना। म्यूटेशन की वजह से कुछ दिन बाद ही कोरोना अपना रूप बदल रहा है, जिस वजह से उसके लक्षणों में भी बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। देखिए इस कोरोना के क्या क्या हैं लक्षण। डॉक्टरों के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कोविड-19 के लक्षणों में मामूली और सूक्ष्म परिवर्तन हुए हैं, जिससे वायरस की पहचान करना मुश्किल हो रहा है। डॉक्टर भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान संक्रमण के लक्षणों में हुए बदलाव की बात कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से बड़ी संख्या में ऐसे लोगों में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिन्हें ना बुखार आया ना ही सर्दी जुकाम हुआ। ये लोग तो बदन दर्द, सिर दर्द या पेट दर्द की शिकायत लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे थे और जब उनका RT-PCR टेस्ट हुआ तो पता चला कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। डॉक्टरों की माने तो पेट में दर्द, उल्टी दस्त, डायरिया और बदन दर्द की शिकायत लेकर आने वाले करीब 40% मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। ज्यादातर लोगों को अब तक यही लगता है कि सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार ही कोरोना के लक्षण हैं। इसीलिए अगर उन्हें पेट दर्द, सिर दर्द या बदन दर्द की समस्या होती है तो वो डॉक्टर के पास जाने की बजाय घर पर ही घरेलू नुस्खों से इलाज करते रहते हैं। लेकिन जब काफी समय तक बीमारी ठीक नहीं होती तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं और तब तक वायरस शरीर को काफी नुकसान पहुंचा चुका होता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक बदन दर्द या पेट में दर्द की समस्या हो तो देर किए बिना कोरोना का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। इलाज में जुटे डॉक्टरों का भी कहना है कि कोरोना के कई सारे स्ट्रेन सामने आने के बाद मरीजों को सांस लेने में दिक्कत, बुखार और सूखी खांसी के लक्षण आम हो गए हैं। इसके साथ ही मरीजों में गंध का पता न चल पाना और खाने का स्वाद गायब होना भी आम लक्षणों में से एक है। खास बात यह है कि पिछली बार कोरोना संक्रमण के शिकार ज्यादातर 59 से 60 साल के बुजुर्ग लोग ही हो रहे थे, वहीं इस बार कोरोना 45 से 59 साल के करीब के लोगों को ज्यादा संक्रमित कर रहा है। इसकी मुख्य वजह यह है कि इस उम्र के लोग बाहर अपने काम से या नौकरी के लिए ज्यादा निकलते हैं। साथ ही इस उम्र के लोगों का अभी टीकाकरण भी किया जा रहा है। कोरोना के नए लक्षण: थकान, कमजोरी, सुस्ती, बदन दर्द, डायरिया, उल्टी, पेट दर्द। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि सर्दी और बुखार जैसे लक्षण 10-15% मामलों में नहीं नजर आ रहे हैं। साथ ही फेफड़ों में संक्रमण नहीं आने की एक वजह यह भी है कि युवाओं का इम्यून सिस्टम ज्यादा मजबूत होता है। रिपोर्ट न्यूज वर्ल्ड इंडिया। सरल शब्दों में कहें तो कोरोना वायरस के इस नए अवतार ने जांच के तरीकों को भी धोखा देना सीख लिया है और ये शातिराना तरह से काम करने लगा है। जैसे एक चोर दबे पांव किसी घर में घुसकर वहां सब लूट कर चला जाता है, ठीक उसी तरह ये वायरस आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है और आपको इसका पता भी नहीं चलता। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।